अल्लाह आखण पसी ते उलुल अमर वास्ते अली जन वली अल्लाह जरूर आखण सुभान अल्लाह हैदरी माशाल्लाह उलुल अमर आखण वास्ते अली जन वली अल्लाह आखण पसी ता आयत मुकम्मल होसी सिर्फ आयत मुकम्मल ना होसी बल्कि रसूल दा दीन ही ता मुकम्मल होसी जो हर योम आकमल तो लोगों बात मांग तो वाले को बने मती दी आया मुबारक का पढ़ी गई सी जेकर की दी गई सी ता कहाँ ही रसूल दा दीन मुकम्मल हो सी नमाज दा हुक्म ज़कात दा हुक्म रोजे दा हुक्म आंदे रह गए तमाम अहकामात बयान थींदे रह गए लेकिन जदा ये आया मुबारक का अल योम आकमल तो लोगों दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती ना आई उ वजह तक दीन मुकम्मल ना हो असाब नहीं आले वले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बल्कि अली अल वलीउल्लाह आप हुन से आले बल्कि उलुल अमर दी इताअत वले करे ने हां उलुल अमर दे आख्यो हुक्म दी फरमानदारी पे करे ने हां और मासूम फरमेदन साडियां इज्जतां और साडियां शान और साडे फरामीन दी किताबां पढ़ के देखो जितने एक ए पूरी कायनात है अदल फैसला है मेरा अल्लाह दा पूरी जमीन पे जितने दरख्त हैं वो सारे कलमा बन वने हैं समंदर सारे सियाहियां बन वने हैं ए इंसान नहीं सिर्फ बल्कि जिन और इंस सारे मिलके ए लिखाने वाले बाय वने हैं लेकिन फजीलत है अहले बैत मुकम्मल नहीं लिख सकते सिर्फ कुल अमल दे विच के फजीलत है अहले बैत मुकम्मल नहीं थी सकती नहीं लिख सकते तवल जरूरी है जिथा अल्लाह की इताअत है उठाई रसूलुल्लाह दी इताअत है जिथा रसूलुल्लाह दी इताअत है उठाई उलुल अमर दी इताअत है कता हर शय कामिल थींदी है ता हर शय मुकम्मल थींदी है एक ना एक वाकया आज सात शाबान अल मुअज्जम में पांच को ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का निमार सैयद साजदीन की विलादत की निमार है पांच शाबान इस अजीम हस्ती का एक वाकया सुना के बड़ी रहमत तमाम करे ना फजीलता नितरी होवे जिक्र कीते वने नहीं नहीं नुकदियां बयान करण वाले करंदे रहे वने नहीं कर सकदे ओ ज़बाना थक सकदियां लेकिन फजीलता मुकम्मल नहीं थी सकदियां ये ज़ैनुल आबिदीन गैन हज ते हज अजीम इबादत है हज ते जदा गैन हज करण तो पहले एक शख्स है इसे मकाम ते इसे मजमे ते ढेर सारा मजमा होंगे ढेर सारी तादाद विच लोग होने ही मकाम ते एक बंदा है वो भी हज ते भी होया है लेकिन वो बड़ी कोशिश की है जो मैं हजरे अस्वद दा बोसा गिना गल समझ आंदी पई हजरे अस्वद दा बोसा गिना इस मजमे ज्यादा होवन दी वजह तो तादाद ज्यादा होवन की वजह तो जदों हजरे असवद का बोसा नहीं गिन सकया थक के बड़ी जोर ला के जदा हजरे असवद का बोसा नहीं गिन सकया हे उच्ची जे इजाह ते वाली के बह थी नाम दा है हशाम मशहूर वाकया उच्ची जे इजाह ते वाली के बह थी है ये सकेयद सजाद जैन लाबिनी जिन्हें दी विलादत बा सादत मनाई बैठे रे पांच को पांच शाबान को इंडिया नजर हैं हुजूम वाले पासे देखा बैठा गौर दिनार ते दे ध्यान इंडी नजर है शख्सियत के पई है सैयद सजाद जैन लाबिदीन के जदा आयन अल्लाह मसल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सैयद सजाद जैन लाबिदीन आयन जेड़े जेड़े पासे आंदे वेंदे लोग रास्ता छुड़ेंदे वेंदे ते आका को तबरी को सलाम पेश करें दे होया रास्ता दे दे रहे हैं ये हैरान ते परेशान थी गया है ये कौन होवे जानता है किताब ने लिखा है जानता है इंसान ज़ैनुल आबिदीन को जानता है लेकिन देर आ बैठा है लोग रास्ता छुड़े दे वही दिन रोग जा दे दे वही दिन राह दे दे वही दिन इमाम अलैहि सलाम ने हजरे अस्वद का बोसा किया है बोसा किता ने तवाफ दे विच मशगूल हैं तवाफ करके जेड़ा वापस आए थोड़ी जी देर बाद ये तो मु सुचेता बैठा है मैं हाकिम हां समझ आई मेरा इख्तदार है मेरी हुकूमत है
मेरी इतनी शान शौकत है, लेकिन मैं हजरे अस्वद का बोसा नहीं खेल सकया। ये कौन हो गए? यही ना लोग राह कीता जा ते इना आके हजरे अस्वद का बोसा ही कीता है। तो आप ही कहें दे खड़े या दिल जड़े सुचेन दे खड़े हैं, या इन्हां दा दरबार दा है शख्स है जैको फिरजत नामे शायर आ है, ऊ जरे जिठा है ई पुछया है ये कौन जानता है, लेकिन दुश्मनी अहले बैत ने सड़िया बैठा है, दुश्मनी अहले बैत ने जलिया बैठा है। भाई मैं हजरे अस्वद का बोसा नहीं खेल सकया, तेरी ना किए धन कीता। ये कौन है जेड़ा आया ते लोग का रस्ता दिता है, हजरे अस्वद का बोसा कीता सो ते तवाफ मुकम्मल कर कीता सो। वो शायर फरजक ने अपनी जबान दे जवाब दे के आदा, तू नहीं जानता तो ना पिया जान। ए ओ हस्ती है जेको अरब जानदा है, जेको अजम जानदा है, जेको मक्के दी गलियां जानदियां, जेको मदीने दी गलियां जानदियां, एको हर शख्स जानदा है। ए हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ए हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन है। ते ए ओ शख्सियत है जिन्हां दा नाना वमा अरसलना फइला रहमतल लिल आलमीन है, जिन्हां दे नाने ने सदके पूरी कायनात अल्लाह बनाई है। जय मोहम्मद के खास से खास सदके पूरी कायनात को अल्लाह रिज़्क देता पिया है। ए उना हस्तियां के जो है हस्ती है, जदा ये गल सुनी तो ज़ैन अल आबिदीन की तारीफ सुनी सु और हसद की आग भड़की है। ये कौन इतनी इन हादिया फजीलत हुक्म दिता सु बाकी को गिरफ्तार कर गिनो, शायर को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उसको कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद मिलता किताब दे जो उसको मरा दितो, लेकिन ये शायर ने सैयद सजाद ज़ैनुल आबिदीन दी फजीलत दे भरे दरबार दे ये अल्फाज जहां दोहराए उसने अपना हक अदा कर छोड़ा। हशाम जानदा है ते जानन दे बावजूद जेरे पुछया लोगों को लोग कौन है, यारे जिस वास्ते लोगों ने सारा रास्ता खाली करा दिता है, लेकिन हशाम को पता ना है। मासूम होर होंगे ते गैर मासूम होर होंगे, दुनिया आले होर होंगे, दीन आले होर होंगे, अल्लाह आले होर होंगे, बंदे आले वे होंगे। बड़ा सोहना बयान करने लाखे नूर मोहम्मद निशानी सोहना बयान करने मुख्तार हुसैन वतन ते बह के बेवतना को रोना लो, मामूस को दिसर जमीन ते बह के अपने घर च बह के आजादारी का रमना मना रमना सौख होता है। मौसम सही होवे, कोई परेशानी ना होवे, हालात ठीक होवे, उठा बह के आजादारी करनी और आजादारी मनानी सौखी है। लेकिन करबला दे जंगल होवें, कूफे दियां गलियां होवें, शाम के तंग बाजार होवें, उत्थां आज़ादारी करनी औखी है ते अपना फर्ज निभावना औखा है, ओ मकाम ते औखा है। वतन बड़ी अजीब शाय होंदी है, हर कहीं को प्यार होंदा वतन दे नाल, वतन छोड़ना कोई सौखा नहीं होंदा। 28 को जड़ा हुसैन वतन छोड़े मैं क्या गल करनी है, मैं सिर्फ सवाल वास्ते आ लेती हूँ। मोहतरम दवाज से आखिर वतन बड़ी प्यारी शाय होंगी है, वतन को छोड़ना सौखा नहीं होंगे। जड़ा वतन छोड़न तो पहले मदरों में करबला विदा की ते बढ़िया सुने हुए जिक्र, विदा की ते सो नामे दे नाल विदा की ते सो वरबा लहरा दे नाल विदा की ते सो औखी औखी गलां करके जुदा थी है या डर पैन। आखिरी गल करनी है,
घंटे शबीर का चलावे दी जिन्हें तो जो मेरे पास ऐसे वही का गाते हैं सब वो मंदर जिधर टूटे पे हाँ बस वो मंदर बयान करना है जिधर टूटे पे हाँ गुजारिश करेगा करना जो सौखा नहीं होता वतन छोड़ना सौखा नहीं होता टूटना गरीब हसरत दी निगाह नाल देखा क्या है गौर दी निगाह नाल खड़े रहते हैं ते हसरत दी उंगली मुंह पा के खड़े आ रहे हैं का शायर ने बड़े सोहनी की गल लिखी है घेन देख शबीर का जावे दी खड़ा वेद है भेन को आना तोड़ी तोड़ी मेरे को बस है घेन शेर शबीर देख का जावे दी खड़ा वेद है भेन को आना हसरत इस नकार धा मार क्या है गल कतल मेरी ते मुख में दी तेरा कदम ना वह है ना क्योंकि वो आलिया है जरा आगे फरमाए जान लोग मेरे को पूछ दे हन वाले परदादार इथाई रहने जो असा कदा ही ज्यादा की आवाज न सुनी है ता त शबीर पे अपन मैंने घन पे शबीर का चावे दी खड़ा ले है भेन को आना आधे के अबे गल दादा याद है गल कतन में ने ते मुख में दी तेरा कदा ना बाहे रहंदा अगली सतर तो आलिए हैं वो को शाम आ गए कि दर्द है जिगर को खाना कि वे तुर से सौड़ियां गलियां में चले ते को तुरन दा राह नहीं आंदा गरे खड़ा था कि वे तुर से उफ़े दिया तंग गलियां में वे ते को तुरन दा राह नहीं आंदा तो मारा ही नहीं तेरा जरा मौरना कामरा बात तेरी साथ और जरा आपके सामने पूरे मुल्क के नाम पर जाकर